सड़क दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज हम मौजूद हैं केमारी सी फूड। लास्ट टाइम हमने राशि सी फूड भी बनाई थी वीडियो और ये उसी पॉइंट पे है, उसके साथ ही बल्कि इसके बराबर में है, केमारी नंबर एक में है। तो इसके इस सी फूड पे क्या क्या अवेलेबल है, तो उनसे उस्मान साहब से बात करके देखते हैं इनके पास क्या क्या चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। कैसे सर, ठीक है फरीद है उस्मान साहब, हमें क्या क्या दिखा रहे हैं आपके पास, कौन कौन से सी फूड अवेलेबल है इस टाइम और टाइमिंग क्या है, ये सब चीज़ें बताइए जी। टाइमिंग 4 बजे 3 बजे से सफाई वगैरह होते हैं, 5 बजे से ओपन हो जाते हैं, फिर रात काम पे डिपेंड होते, 2 बजे भी 3 बजे भी 1 बजे भी बंद हो जाते हैं। अच्छा, फाइनल टाइम आपको रात 1 बजे तक है? हाँ, 2 बजे तक, 3 काम पे डिपेंड, जैसे काम जब तक काम है तो ओपन है, ठीक है। लास्ट टाइम 3 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं। तो चलें आप किचन एरिया की तरफ ही चलते हैं और क्या क्या दिखा रहे हैं आप, आइए। ये फिश काउंटर है, ये पूरे पाकिस्तान में इस मार्केट का डिफरेंट तरीका है। कहीं भी पिशावर में, लाहौर में या इस्लामाबाद आप जाए तो फिश पहले से मिसाले में आपको पड़ा होगा, तल के दे देगा। यहाँ मुख्तलिफ इसलिए कि आपने काउंटर में खुद फिश पसंद करने, तो आपको जो भी फिश चाहिए आप पसंद आपके सामने वो कटेगा, फिर वो वॉश होगा, मसाले में फिर तैयार होकर आपको आएगा। आइए मैं दिखाता हूँ। जी सर, फिश कौन कौन जी, जैसे फिश काउंटर है, इसमें से ये प्रॉन्स है, ये इसका कढ़ाई भी बनाते, बारबेक्यू भी बनाते, फ्राई भी है, और ये है फिश। अच्छा, इनकी प्राइस भी थोड़ा सा बताया था कि तो लोग झींगा कढ़ाई जो है वो 1400 रुपये किलो है और झींगा बारबेक्यू 1200 रुपये किलो, ये रेट बहुत ही मुनासिब है, ठीक है, रीजनेबल। यही झींगा आप कहीं किसी होटल में खाओगे तो वो 3000 रुपये पर के जी कढ़ाई है, लेकिन ये पूरी मार्केट, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं, पूरी मार्केट के रेट मुनासिब भी है और फ्रेश भी है। बाकी जगह में जाए तो फ्रोजन झींगे होते, वो आपको नहीं पता कि कितना पुराने हैं, क्या है आपको देंगे। इसके अलावा ये फिश है, ये दंदिया है, ये कुंद है, बाराकूडे भी इसको कहते हैं, और ये मुश्क है, और ये क्रेब्स है। कुछ लोग क्रेब्स खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। इसके मकरू है खाना, मतलब इसका कढ़ाई और बारबेक्यू दोनों। ये ब्लैक पम्फ्लेट है, ठीक है, और ये वाइट पम्फ्लेट है। तो इसके अलावा ये धोतर है। अच्छा, ये कौन सी, ये रेड पॉपुलेट, कौन सी वाइट वाली है? ये वाइट पॉपुलेट है जी, ठीक है। ये से आ जाते, इससे थोड़े बड़े भी आते, छोटे भी आते, और ये ब्लैक पम्फ्लेट ये सही। और इसके अलावा ये धोतर है, ठीक है, और ये रेड स्नैपर है, हीरे भी इसको कहते हैं, ठीक है। ये आगे चलते हैं, मुख्तलिफ अकसाम है इस, इनका हम बारबेक्यू भी बनाते हैं, कढ़ाई भी बनाते हैं, और ग्रिल भी बनाते हैं। जैसे कस्टमर को पसंद हो वो यही से सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये मार्केट, ये कि एक तो रेट मुनासिब है इस पूरी मार्केट का, दूसरी ताजगी है, आप खुद देख रहे हैं कि कोई जी स्मेल नहीं आएगा, सब फ्रेश है जी। आइए आइए, यहाँ ऑर्डर होते हैं, उसके बाद कटिंग होते हैं, कटिंग कटिंग जी सर। अच्छा, ये इनका कटिंग स्पॉट है इनका, हाँ। अब यहाँ कैमरा मैन थोड़ा इनका दिखाएगा, तो बाबू थोड़ा सा हाथ आहिस्ता आहिस्ता के, एक मिनट रोशनी आ गए। अब जैसे वहाँ जो भी कस्टमर ऑर्डर करते तो फिश आके ये टोकन नंबर उसके साथ, ओके, ये सर्व करने तक ये टोकन नंबर जाते ताकि ऑर्डर मिस नहीं हो, टेबल तक यानी टेबल तक साथ रहेगा, ठीक है। ये फिर अभी कटिंग हो रही है, बारबेक्यू फ्राई जो भी जिसने करना हो, ये बोनलेस की है, देखिए बोनलेस, ये मुश्किल बोनलेस, ये बारबेक्यू फ्ले बना है इसका, बिल्कुल बोनलेस की है, और ये दंदी है। फिर यहाँ से सामने जाते हैं धुलाई पे, सामने वॉश होगा, हाँ, फिर मसाले पे जब फिश पहुँचेगा तो फिर हम वहाँ जाएं, ओके, चले आइए। अब ये देखिए कि कस्टमर आए और कोई झींगा पसंद कर रहे, कोई फिश पसंद कर रहे, तो देख लीजिए इस तरह हर कस्टमर अपनी मर्जी का फिश पसंद करते हैं, चाहे वो क्रेब्स लेते या फिश या वाइट या ब्लैक, ये भी ब्लैक पम्फ्लेट ले रहे, देखिए ऑर्डर सिलेक्शन इस तरीके से होता है। आए तो यहाँ भी बारबेक्यू का मसाला इसको लग रहे, देखें ये नमक लग रहा है, और उसके बाद जो है मसाला लगेगा, फिर ये ग्रिल पे जाएगा, ठीक है। फ्राई के आइटम हो तो वो फ्राई पे जाते, ठीक है, और कढ़ाई के आइटम कढ़ाई, ये ग्रिल पे जाएगा, हाँ। अब ये ऑर्डर नंबर है, ये आखिरी टेबल तक कस्टमर तक जाए, लगा लो बेटा, सही, अब बंद कर लो, अब वहाँ जाओ, बाय। चले जी, हाँ ठीक है जी, तैयार हो चुकी है फिश, ग्रिल खोलें जी।
जी भाई क्या बना रहे हैं सर? कौन सी प्राउन? दिखाओ भाई क्या बना रहे हैं, प्राउन कढ़ाई कैसी? भाई कैसे लगे खाने में आपको? अपना हमने ब्लैक पॉम्फ्लेट ग्रिल करवाया है और ब्राउन्स की कढ़ाई बनाई है। अच्छा एनीवे बहुत बेहतरीन टेस्टी। कब से आ रहे हैं सर आप? मैं तो काफ़ी टाइम से आ रहा हूँ। अच्छा मैं खुद भी सी फूड का बिजनेस करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ तो माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छा जैक है। ठीक है बहुत बेहतरीन कढ़ाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई है। और कढ़ाई तो मैंने देख ली, चेक कर ली, बहुत जबरदस्त आला किस्म बना रहे हैं। खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही आला है। थैंक यू, वेलकम सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।